हे गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल अबाउट हॉरर पे। तो गाइस, आज हम दी प्रॉमिस नेवरलैंड सीजन 2 के एपिसोड 10 की कहानी जानेंगे। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उसे देख लीजिए, या फिर अगर आपने देख लिया है तो लेट्स कंटिन्यू। तो एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि जितने भी ऑर्फनेज के बच्चे हैं उन्हें लैमडा में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो इन्हें ऑर्फनेज के बच्चों को बचाने के लिए सबसे पहले वहाँ जाना होगा और इजाबेला, पीटर और डीमंस का सामना करना होगा, और इसके बाद हेडक्वार्टर के बेसमेंट से ये लोग ह्यूमन वर्ल्ड में जा सकेंगे। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो गद्दार जो फार्म को सारी इन्फॉर्मेशन देता है वो विंसेंट है, और ये सब काम वो नॉर्मन के कहने पर ही कर रहा है क्योंकि ये सब नॉर्मन का एक प्लान ही है। इसके बाद नॉर्मन उन्हें बताता है कि मूनलाइट के वक्त वो सारे हॉट एयर बलून्स में बैठकर लैम्डा जाएंगे, और साथ ही ये लोग ड्रग्स भी लेकर जाएंगे ताकि ये वहाँ के डीमन से लड़ पाए। नॉर्मन सभी को तो अपना यही प्लान बताता है, पर साथ ही साथ वो अपने दूसरे प्लान को भी अंदर ही अंदर अंजाम दे रहा है। वो विंसेंट के द्वारा अपने प्लान के बारे में लैम्डा को भी बता देता है, एज ये सभी उसके प्लान का हिस्सा ही है। और वहीं दूसरी तरफ इजाबेला और पीटर रात्रि भी अपने प्लान को अंजाम देने की फुल तैयारी में होते हैं। वो लैम्डा की सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा टाइट कर देते हैं। इसके बाद हम ऑर्फनेज का सीन देख पाते हैं जहाँ सिस्टर सभी बच्चों को रेडी होने बोलती हैं, बट उन्हें ये नहीं बताया जाता कि उन्हें कहाँ भेजा जा रहा है। और ऑर्फनेज की सच्चाई फिल को तो पता ही है, इसलिए वो चिंता में आ जाता है। पर वहीं दूसरी तरफ बच्चे उनकी मदद करने के लिए हॉट एयर बलून्स रेडी करते हैं, और इधर ऑर्फनेज में फिल अपने फ्रेंड्स को सच्चाई बताने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ एक सिस्टर आ जाती है और उसे रोक देती है। इसके बाद शाम हो जाती है और ऑर्फनेज के बच्चे लैम्डा की ओर निकल पड़ते हैं, और वहीं दूसरी तरफ बच्चे भी अपने हॉट एयर बलून्स के साथ निकल जाते हैं। पर लैम्डा के डीमंस बलून को देख लेते हैं और सूट कर देते हैं, बट ये बलून्स जिसे ये लोग सूट करते हैं उस पर कोई बच्चा होता ही नहीं है। ये सिर्फ ड्रग से भरा बलून था, मतलब डीमंस अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद ही मार लेते हैं, और अगर कोई कसर रह गई हो तो उसे भी पूरा करने मुजिका, सोंजू और नॉर्मन के लैम्डा वाले टीम मेंबर्स वहां आ जाते हैं और डीमंस पर हमला कर देते हैं। पर इस बात की जानकारी पीटर को भी पता चल जाती है क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरा के जरिए फार्म पर पूरी नज़र रख रहा था। वो ऑर्डर देता है कि और डीमंस को बच्चों का खात्मा करने भेजा जाए, और वहीं हम देख पाते हैं कि बच्चे दूसरे बैलून्स में लैम्डा पहुँच जाते हैं और वहाँ एक सीक्रेट टनल की मदद से आगे बढ़ते हैं और लैम्डा में एंटर कर जाते हैं। और रास्ते में जितने भी डीमंस उन पर हमला करते हैं वो उनका बहुत अच्छे से सामना करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ऑर्फनेज के बच्चे ऑर्फनेज के गेट पर खड़े होते हैं, पर तभी वहाँ चुपके से एमा वाली टीम की एक बच्ची उन्हीं के कपड़े पहनकर उनकी मदद करने आ जाती है। उस बच्ची की भी हाइट ऑर्फनेज के बच्चों के जैसे ही थी, इसलिए उसे सिस्टर्स नहीं पहचान पाती। वो बच्ची फिल को एमा का एक लेटर देती है। इसके बाद सीन लैम्डा पर फोकस करता है जहाँ एमा और कुछ बच्चे सभी सीसीटीवी कैमरा को तोड़ देते हैं ताकि वो जो भी कर रहे हैं उसके बारे में पीटर को ना पता चल पाए। और इसके बाद बच्चे स्पीकर सिस्टम पर तक अपना कंट्रोल जमा लेते हैं, और अपनी प्लानिंग्स तो वो लोग कब का ऑर्फनेज के बच्चों को लेटर के जरिए पहुंचा चुके थे। मतलब प्लान के अनुसार जैसे ही ऑर्फनेज के गेट पर लाइट कट जाएगी वैसे ही बच्चे वहां से भागकर लैम्डा में आ जाएंगे, और ऐसा ही बच्चे करते भी हैं। वो लैम्डा के एक हॉल में पहुंच जाते हैं जहाँ एमा और उनकी बाकी टीम वेट कर रही होती है, पर कुछ ही देर बाद उस हॉल का सारा गेट बंद हो जाता है और सिस्टर्स गन लिए उन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं। और फिर तभी होती है ग्रैंडमा इजाबेला की एंट्री, और साथ ही पीटर भी वहाँ आ जाता है और उन्हें बताता है कि उसने यहाँ के लाइट और साउंड सिस्टम को वापस ठीक कर दिया। अब यहाँ हम बच्चों का प्लान फेल होते देख पाते हैं, उनसे उनके हथियार भी छीन लिए जाते हैं, पर तभी इजाबेला पीटर पर अपना बंदूक तान देती है, और साथ ही सभी सिस्टर्स भी अपना बंदूक पीटर की ओर घुमा देती है क्योंकि इजाबेला भी चाहती है कि सभी बच्चे ह्यूमन वर्ल्ड में सही सलामत चले जाए। पर पीटर ने ऑलरेडी दूसरे फार्म से डीमन की पूरी टीम को बुला लिया था जो कि अब यहाँ पहुँच भी चुकी है। पर साथ ही में वहाँ विलेज के डीमंस भी आ जाते हैं, और उनके साथ सोंजू, मुजिका और वो बुजुर्ग डीमन भी होते हैं। ये सभी यहाँ बच्चों की मदद करने आए थे। वो लैम्डा के अंदर घुस जाते हैं और सभी पूरे डीमंस का धीरे धीरे करके खात्मा कर देते हैं। और यहाँ पीटर को भी ये बात पता चल जाती है कि विलेज के डीमंस को अब मुजिका और सोंजू ने
न मांस खाकर भी जी सकने वाला डीमन बना दिया है। ये बात पीटर के लिए काफ़ी शॉकिंग थी। उसकी उम्मीद लगभग टूट ही चुकी थी, पर तभी एमा आगे आकर पीटर से कहती है कि वो भी उसके साथ ह्यूमन वर्ल्ड में चले। और एमा शायद ये इसलिए कहती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा काइंड पर्सन है, इसलिए वो पीटर की भी हेल्प करना चाहती है। तो इसी के साथ एपिसोड 10 समाप्त होता है। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हम नेक्स्ट एपिसोड जब भी अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं आपसे ऐसी किसी वीडियो में। सी यू गाइज़।